गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एन अनसीन पैसेज। हम क्या कर रहे हैं? एक अनसीन पैसेज कर रहे हैं। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 154। पेज नंबर 154, अनसॉल्व पैसेज। ओके, सो इन अनसीन पैसेज आपको क्या करना होता है? आपको एक पैसेज पढ़ना पड़ता है, एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होता है। वो आपकी बुक में से नहीं होता है, बुक से बाहर होता है। जैसे आपके चैप्टर में अगर मैम ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया है और उसके बाद मैम आपको एक उसमें से पैराग्राफ दे और कहे कि आपको ये जो पैसेज है उसके जो गिवन क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है, तो वो आपका सीन पैसेज होता है, क्योंकि वो पैसेज आप पहले देख चुके हो। अनसीन मीन्स होता है जो आपने इससे पहले कभी ना देखा हो। ठीक है, ये जैसे ये पैराग्राफ है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसको आपने लिटरेचर की बुक में पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रीड द पैसेज गिवन बिलो। हमें नीचे जो गिवन पैसेज है उससे पहले पढ़ना है। वी हैव टू रीड इट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड fell from heaven into a temple's court. एक दिन की बात है, एक बहुत ही सुंदर सी गोल्ड की प्लेट, बहुत ही अलग सी एक गोल्ड प्लेट थी, वो हेवन से यानी स्वर्ग से नीचे गिरती है एक टेम्पल्स की कोर्ट में, टेम्पल्स के आंगन में। ठीक है, द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट, और उस जो प्लेट में कुछ वर्ड थे जो इंस्क्राइब थे, यानी कुछ चीज लिखा हुआ था उसमें। क्या लिखा हुआ था? अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्स मैनकाइंड द बेस्ट। उसमें लिखा होता है कि ये एक गिफ्ट है हेवन से जो उनके लिए है जो मैनकाइंड को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हो, यानी एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हो। द प्रीस्ट इनवाइटेड पीपल टू द टेम्पल एंड टोल्ड देम अबाउट द गिफ्ट फ्रॉम हेवन। सो जो प्रीस्ट होता है वहाँ का, पुजारी होता है, वो लोगों को टेम्पल में बुलाता है और बताता है उस हेवन के गिफ्ट के बारे में। एवरीबडी क्लेम्ड दैट दे लव मैनकाइंड द बेस्ट, और सब लोग क्लेम करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम मैनकाइंड को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हम सबकी मदद करने में विश्वास रखते हैं। देन ईच वन गॉट अप एंड वन बाय वन नरेटेड हिज ओन काइंड डीड्स, और एक के बाद एक जो पर्सन होते हैं वो उठते हैं और वो नैरेट करने लग जाते हैं अपनी अच्छाई को, वो अपनी अच्छाई को लोगों के सामने बोलने लग जाते हैं। एज सून एज दे टच्ड द प्लेट इट टर्न्ड टू लीड, और जैसे ही वो उसे टच करते हैं तो वो लेड में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? लेड में चेंज हो जाते हैं। लेड भी एक तरह का मेटल होता है। ठीक है, जैसे गोल्ड सिल्वर होता है वैसे लेड भी होता है। Then the richest man in the village got up and spoke about his great charitable deeds. तो वहाँ का जो सबसे रिच मैन होता है, सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होता है, वो भी उठता है और अपने चैरिटेबल डीड्स के बारे में बताता है, वो बातें बताता है जहाँ पे उसे चैरिटी की है, या चैरिटी मीन्स किसी को देना। ठीक है, दान देना। However, even when he touched the plate, it turned to lead. और ऐसी ही जैसे ही उसने भी टच किया प्लेट को, तो वो भी लेड में चेंज हो गई। ऑल द पीपल वर कन्फ्यूज, सारे जितने भी पीपल थे वो कन्फ्यूज हो गए, जितने लोग थे वहाँ वो कन्फ्यूज हो गए। देन द प्रीस्ट सॉ अ पुअर फार्मर सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर। तब प्रीस्ट ने देखा कि एक पुअर फार्मर है, बहुत ही गरीब सा फार्मर है, वो क्वाइटली चुपचाप से कोने में बैठा हुआ है। द फार्मर was not aware about the gift from heaven. जो farmer था उसको नहीं पता होता इस gift के बारे में जो heaven से आया है। Looking at the farmer, the priest asked him to come forward and touch the plate. और उसको देख कर, farmer को देख कर जो priest होता है वो उसको अपने पास सामने बुलाता है और बोलता है कि इस plate को touch करो। He got up, bowed to the priest and touched the plate. सो जो आदमी होता है, पुअर मैन होता है, वो अपनी जगह से उठता है, प्रीस्ट को बो करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको रिस्पेक्ट देता है, और उसके बाद वो टच करता है प्लेट को। द प्लेट शोन ब्राइट, और जो प्लेट होती है वो बहुत तेज़ी से चमकने लगती है।
द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेज टू द पुअर फार्मर एज हिज लव फॉर मैनकाइंड वॉज ट्रू एंड इंडीड द बेस्ट। और प्रीस्ट इस तरह से अवॉर्ड कर देता है उस प्लेट को फार्मर को उसके लव ऑफ मैनकाइंड के लिए और उसकी अच्छाई के लिए, जो कि ऑब्वियस है कि बहुत बेस्ट होगी तभी वो शाइन की प्लेट। ओके, सो दिस इज द पैराग्राफ। आई होप यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस अनसीन पैसेज। अब हमें इस अनसीन पैसेज का क्या करना है, ये क्वेश्चन जो गिवन है उसके आंसर करना है। अब हमें पता है क्या हुआ है पूरी स्टोरी में, नाउ वी कैन आंसर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। ए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड द प्रीस्ट इनवाइट पीपल टू द टेंपल। प्रीस्ट ने क्यों इनवाइट किया था लोगों को टेंपल में, हेवन का गिफ्ट दिखाने के लिए। सो राइट डाउन द आंसर। द प्रीस्ट invited pupil to show them gift of the heaven। heaven से जो gift आया था उसको दिखाने के लिए प्रीस्ट ने सबको बुलाया था। डन, सो दिस इज द आंसर। मैं इसमें लिखवा रही हूँ, आपको बुक में करवा रही हूँ। आपका होमवर्क यही है कि आपको ये पैराग्राफ पहले तो एक अच्छी सी राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखना है। ऊपर से आप टॉपिक डालेंगे अनसीन पैसेज। क्या डालेंगे टॉपिक? अनसीन पैसेज। फिर आपको ये पैराग्राफ लिखना है, देन आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 155। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल टच द प्लेट। जब लोगों ने प्लेट को टच किया तो क्या हुआ? द प्लेट टर्नड इनटू लेड। जो प्लेट था वो किस में चेंज हो गया? लेड में चेंज हो गया। नाउ द थर्ड वन इज, व्हाट हैपेंड टू द प्लेट व्हेन द पुअर फार्मर टच्ड इट। जब पुअर फार्मर ने उसे टच किया तो क्या हुआ था? द प्लेट शोन ब्राइट। जो प्लेट थी वो बहुत तेजी से चमकने लगी। ठीक है, नाउ द बी वन, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना है। एन इंस्क्रिप्शन इज अ, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मैसेज रिटन ऑन अ गोल्ड प्लेट, मैसेज रिटन ऑन अ टॉमस्टोन, मैसेज रिटन एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑन एनी हार्ड सर्फेस, मैसेज रिटन ऑन अ टेम्पल वॉल। क्या होता है इंस्क्रिप्शन? हमने इसमें पढ़ा गोल्ड प्लेट में होता है, लेकिन इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मैसेज रिटन एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑन अ हार्ड सरफेस। कोई भी हार्ड सरफेस हो सकती है, वो कोई भी स्टोन हो सकता है, कोई भी गोल्ड की प्लेट हो सकती है, कोई भी लेड की प्लेट हो सकती है, कोई भी वो सिल्वर की प्लेट हो सकती है। कोई भी हार्ड सरफेस में अगर कुछ चीज़ें परमानेंट रिकॉर्ड लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, नाउ द सेकंड वन, चैरिटी इज एन एक्ट ऑफ हेल्प और असिस्टेंस। चैरिटी एक एक्ट है किसी की हेल्प करना, किसी का साथ देने की। अ पर्सन हु डज चैरिटी इज कॉल्ड अ, जो पर्सन चैरिटी करता है उसे हम बोलते हैं चैरिटेबल पर्सन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर बिकॉज, क्यों दिया फार्मर को? ही वॉज पुअर, क्योंकि वो पुअर था, गरीब था? नो। ही लाइक द फार्मर? नो। He was simple? No. He loved mankind the best? Yes. क्योंकि प्लेट उसी की थी जिसको mankind पे भरोसा था, जो mankind में भरोसा रखता था। So this one is correct. Find words from the passage for these meanings. To give an account or tell the story or event, experience, etc. अब आपको बताना है जो आपने paragraph पढ़ा है उसमें एक word ढूंढना है जिसका meaning same हो।
टू गिव एन अकाउंट और टेल द स्टोरी ऑफ इवेंट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, यानी किसी को कोई कहानी बतानी, कोई एक्सपीरियंस बताना, ठीक है, उसकी डिटेल देना, ये क्या कहलाता है? नैरेट, हमने देखा था ना जो बहुत रिच फैमिली से आता है पर्सन, वो अपनी स्टोरी नैरेट करता है, बाकी सब लोग भी अपनी स्टोरी नैरेट करते हैं, तो वो उनकी एक स्टोरी है, एक इवेंट है जो उनके साथ हुआ है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ नैरेट करते हैं, इसका मतलब हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई इवेंट के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट इज टू ग्लो विथ लाइट, लाइट के साथ ग्लो करने को हम क्या बोलते हैं, क्या वर्ड हो सकता है वो? अगर कोई चीज़ ग्लो कर रही है, चमक रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शोन, ठीक है। जैसे वो प्लेट शोन की थी, यानी वो क्या हुई थी, चमक गई थी, तो लाइट के साथ वो चमकने को हम क्या बोलेंगे? शोन। नाउ द डी वन, डू यू थिंक वन शुड डू चैरिटेबल डीड्स इन लाइफ, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है लोगों को चैरिटेबल डीड्स करने चाहिए लाइफ में, हाँ या नहीं, उसके रीज़न बताना है आपको, ठीक है। आई थिंक वन शुड डू, सो आई एम राइटिंग यस, वी शुड डू चैरिटेबल डीड्स बिकॉज इट हेल्प्स अस टू become better person। मुझे लगता है कि charitable deeds करने चाहिए, क्योंकि ये help करता है हमें एक better person बनने में, ठीक है। So this is my answer, you can change your answer, कि करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, yes or no आप कुछ भी लिख सकते हो, और reason भी आप खुद दे सकते हो कोई भी, ठीक है। So this is your homework, you have to do this unseen passage in your notebook, okay? मैम ने आपको बता दिया आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको unseen passage लिखना है, फिर आप इस तरह से यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। पेंसिल का वर्क आप ब्लू पेन से करेंगे, रेस्ट यू हैव टू डू विद ब्लैक पेन। विद दिस क्लास एंड हियर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।